अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाले ब्लॉग मेरे देखे हैं तो आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से कि दिल्ली में G20 का माहौल बना हुआ था। पिछले 3 दिनों से वो सारा माहौल हो चुका है खत्म। दिल्ली है ना, दोबारा से अपने पुराने वाले रूप के अंदर आ चुकी है। पहले की दिल्ली क्या थी 3 दिन पुरानी, वो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग के अंदर दिखा दी है। अभी की दिल्ली का क्या हाल चाल है वो चल के देखते हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ, खुद भी घूमेंगे साथ में आपको भी घुमाएंगे। चलते हैं कुतुब मीनार। सुना है कुतुब मीनार को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के अंदर, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। प्रगति मैदान देखो कितना सूना सूना हो गया। ये पीछे प्रगति मैदान बना हुआ है, लाइटिंग वगैरह सब खत्म। जैसे G20 गया हम फिर से अनाथ हो गए। मंडे को देखते हुए ना देखो सारी पब्लिक आ गई आज घूमने के लिए बाहर, सब यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं G20 खत्म हो गया। ये देखिए सामने ना शावर कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मेरे यहाँ पे लाइटिंग हुई हुई थी सारी, वो सारी लाइटिंग खत्म। मतलब सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग है ना इस टाइम पेरिस में घूम रहे हैं, ऐसे ही नहीं लग रहा बिट्टू? नहीं, नहीं लग रहा। अबे यार ये तो खड़ी बेइज्जती है। तो गाइस शावर देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ओए होए वाकई में लग रहा है पेरिस में घूम रहे हैं भाई, मुझे तो लग रहा है यार बिना पासपोर्ट के। और देखो बेरियल वगैरह भी ना सब साइड में कर दिए, सारी चेकिंग वेकिंग सब खत्म, जो सख्ती हो रही थी वो सब खत्म। माशाल्लाह से मज़ा आ रहा भाई बहुत, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं नहाता इसके अंदर, मगर कपड़े जो ना वो रंग बिरंगे हो जाएंगे इसमें नहाते हुए यार। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई यहाँ पे, और ये है प्रगति मैदान। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती थी यहाँ पे 2-3 दिन से, मगर अभी है ना सब कुछ खुल चुका है दोबारा। फैन की हाइट पर्सनैलिटी देख भाई साहब, पुलिस वाला हो ऐसा, मतलब क्या हाइट है और क्या हेल्थ है, ज़बरदस्त भाई हैं। पुलिस वाले हों तो ऐसे हों, वरना होना सच में यही सर की पर्सनैलिटी है। मतलब आदमी दूर से डर के मारे गाड़ी छोड़ के भाग जाए हैं बिट्टू। अगर यार इनको बिट्टू मेरे हिसाब से आज है ना लाइट जली रहने देनी चाहिए थी, है ना, ताकि दिल्ली वाले मज़े ले लेते इन लाइटों के। खैर हमने तो ले लिया अपने ब्लॉग के अंदर। तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग नहीं देखे ना तो फटाफट से वो देखो जाके, जब आपको पता चलेगा कि दिल्ली कितनी ज़्यादा चमक रही थी। वो सारा हिस्सा जितना भी आपको दिख रहा है ना सब लाइटिंग से चमक रहा था, और अभी बिल्कुल सब में ना अंधकार हो चुका है, बिल्कुल अंधकार। अभी दिल्ली के पेट्रोल पंप भी है ना इस तरीके से सजाए गए थे, देखो तिरंगा बना रखा था पेट्रोल पंप का भी। गाइस कुछ यूनिक है इस वाले ब्लॉग के अंदर, ऐसा नहीं है कि हमने वाले ब्लॉग बनाए ऐसे ये वाले बना रहे हैं, कुछ अलग है उन ब्लॉग से। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार। बिट्टू गया स्कूटी को पार्किंग के अंदर लगाने, चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। अभी टाइम हुआ है 7:45, और यहाँ पे ना लाइटिंग वाला शो चल रहा है कुतुब मीनार के अंदर। सुना है 9 बजे तक का टाइम है उसका। अभी चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको, स्कूटी लगा दी इधर साइड में। तो गाइस दिल्ली में इतने साल काटने के बाद आज है ना जिंदगी में पहली बार कुतुब मीनार के अंदर एंट्री करने जा रहा हूँ मैं बिट्टू के साथ। बिट्टू आ चुका पहले, है ना, पढ़ा ही कुतुब मीनार में, लाडूसराय। अच्छा लाडूसराय में कॉलेज था बिट्टू का। तो गाइस चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं अंदर। टोकन खो गया ना तो 100 रुपये का है जुर्माना। मैं बड़ी प्यारी सी जगह है भाई, भाई ने कर दिया शाहरुख खान वाला पोज, ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है अभी कुतुब मीनार के अंदर, और बड़ा प्यारा सा माहौल लग रहा है। कहाँ पर है मस्जिद? अच्छा यहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है। ओ भाई लाइट तो बंद कर दी कुतुब मीनार की। तो गाइस यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है कुतुब मीनार में। अबे यार ये क्या मसला है भाई? मसला नहीं है, तसला। ये तसला है। यहाँ पे तो बहुत सारी पब्लिक आई हुई है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। ओ भाई कितना डर सा लग रहा है इसके नीचे आके, कितनी ऊंची है बिट्टू और ये। ओ भाई मैंने जिंदा आंखों से पहली बार कुतुब मीनार देखी है। कहाँ लिखी हुई? कुतुब मीनार आने के बाद है ना आप लोगों के लिए एक सवाल, जो भी हमें ये बताएगा ना कि
इस कुतुब मीनार पे कौन सी सूरत लिखी हुई है कुरान शरीफ की, तो उसको मिलेगा एक बहुत बढ़िया सा इनाम। अगर यार एक बात तो बताओ, ये तो गूगल पे सर्च मार के देख लेंगे बिना गूगल के। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बिना गूगल के देख रहे हैं, हम कौन से इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, इस पे ना यासीन शरीफ लिखी हुई है, पूरी यासीन शरीफ लिखी हुई है कुतुब मीनार पे। ओ यार इसकी हाइट, ओ भैया, अरे भैया मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ यहाँ पे यार, दिल्ली में रह गए पहाड़ी चौका। बड़ा प्यारा मंजर है भाई बिट्टू यार यहाँ का तो। यार तो भैया ये जब से YouTube चैनल खोला है ना, जब से हमें घूमने की गाइज लगी भी है, वरना हमने ना कभी दिल्ली नहीं घूमी यार। अगर गाइज लोग आगे ना बिल्कुल चुप हैं, देखो चुपचाप वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल खड़े हो गए। असल में व्यू इतना प्यारा है ना कि सब लोग हैं ना इसी में खो गए। ये देखो तो गाइज ये व्यू है ना, हमने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर नहीं दिखाया, मतलब ये ना कुछ नए आए हमारी दोनों पिछली वाली वीडियो जो हमने मतलब G20 की वीडियो बनाई है ना, उसमें कुछ अलग ही है। मतलब इन्होंने ना वो बुर्ज खलीफा की तरह बना दिया इसको, है ना। मतलब अब हमें दुबई जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज हम आ चुके हैं अभी साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉल्क मॉल के अंदर। गाइज आजकल है ना आपका भाई दिल्ली की अच्छी अच्छी जगहों पे घूम रहा है, क्योंकि बीवी हमारी घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। बीवी हमारी कहाँ है वो पता चलेगा आपको अगले वाले व्लॉग के अंदर। मैं वो कहूँगा जामा मस्जिद की रौनक जो थी, तो गाइस यहाँ पे कुछ रौनक थी बहुत ज्यादा, वो सब खत्म हो गई, सिर्फ वो वाली लाइटें रह गई बस। तो हमने रैयानगढ़ दानिश को बुला लिया घर से अभी कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ की भीड़ खत्म नहीं होती। अभी दो दिन पहले जब बिट्टोर में आए थे ना यहाँ पे, तो हमें ना असलम का चिकन फ्राई देख के गए थे, मोहम्मद हुसैन का फ्राई देख के गए थे। तो आज हमें ना पैसे जोड़ के लेकर आए यहाँ पे फ्राई खाने के लिए। पैसे जोड़ गए बिट्टू, बिट्टू ने गुल्लक फोड़ दी, रैयान ने भी फोड़ दी, दानिश ने भी। हाँ जी मोहम्मद हुसैन जगह है नहीं है, ऊपर चलो पहले। तो गाइस आज यहाँ पे ना फ्राई खाएंगे भाई, चाचा हुसैन का चाचा रैयान, तुम्हारे चाचा ही है चाचा हुसैन, रैयान में मिल भी रहे। चलो तो गाइस पूरी दिल्ली में फेमस है भाई इनके हाथ का चिकन। चलो पहले तो जगह ढूंढो, जगह है नहीं है ऊपर। मम्मी ना घर पे नहीं है, तो डैडी ने मुझे चिकन फ्राई की पार्टी दी है। तो गाइस बचपन का ना बहुत सारा सामान मिल गया यहाँ पे हमें जामा मस्जिद पे। भैया वो चटपटा सा दे दो, हमारे बचपन में मिलती थी खट्टी मीठी छिपकली, नहीं मछली की गोलियाँ, मछली कह रहा हूँ यार। मैं भी बड़ा दिल्ली की जाने भाई ये एरिया। तो गाइस दो दिन पहले ना यहाँ पे बहुत रौनक थी, मगर अभी ना सारी लाइटिंग वगैरह सब हटा दी भाई। यार मजा आया चिकन खा के? बहुत ज्यादा मजा आया। मम्मी की याद तो नहीं आ रही? हानिया की, मम्मी की और जोहान की थोड़ी थोड़ी याद, तीनों की याद आ रही है। चलो भाई गाड़ी उठाओ, चलो तुम दोनों जाओ उधर आगे खड़े हम आ जाओ हैं। हाँ इधर आ जाओ आगे खड़े हम। चलो बिट्टू, तो गाइस मजा आ गया, रात के बज रहे हैं 11:30। बिट्टू अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, मतलब जैसे सजा हुआ था ना उस टाइम जो रौनक थी ना यहाँ पे, तो ये सारी रौनक सिर्फ
जो बाहर से आए थे उनको दिखाने के लिए थी। अब हमारी जिंदगी फिर अंधकार में हो गई दोबारा। ये वाला सन्नाटा देख के ध्यान आ रहा है कि अल्लाह ताला बाहर से फिर भेज कुछ अंग्रेज जो हमारी दिल्ली फिर से सजाई जाए। हाय मेरी काली काली दिल्ली, देखो जरा कितना अंधेरा, कितना अंधेरा है चारों तरफ। ये भूटानी इतना चमकता था जब हम रात को आते थे, भूटानी पे भी अंधेरा छा गया। आज ना रैयान गाड़ी चलाना सीख गया भाई। रैयान सही चल रही है, मजा आ रहा है भाई। बेटा सामने देख के चला लो, बस आ गया मजा।